25 मार्च को हिसार में होने वाली आम आदमी पार्टी की हरियाणा बचाओ रैली का न्योता देने आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नवीन जैन मंगलवार को तो शाम पहुँचे। नवीन जैन ने कार्यकर्ताओं में अनाज मंडी में धरने पर बैठे किसानों को पीले चावल देकर हिसार रैली में भारी संख्या में पहुँचने का न्योता दिया। तो शाम पहुँचने पर नवीन जैन ने पत्रकारों से बात करते हुए किसानों की समस्याओं के बारे में भी बात की। पत्रकारों द्वारा मानहानि के केस में अरविंद केजरीवाल द्वारा माफी मांगने वाले सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि कोर्ट के चक्कर काटने से अच्छा है लोगों के काम के लिए चक्कर लगाए जाए। नवीन जैन ने पंघाल खाप 8 गांव के प्रधान चिरंजीव लाल पंघाल को भी पीले चावल देकर रैली का न्योता दिया। देखिए, ये सरकार किसानों को कंगाल करने पर तुली हुई है। कृषि मंत्री किसान सम्मेलन कर रहे हैं रोहतक में, आपको जानकारी होगी। हम उनसे ये अपील करते हैं कि वो किसानों की पहले जो सरसों की खरीद है, यहाँ पे किसान बता रहे हैं खरीद ही नहीं हो रही है, फिर ऊपर से कंडीशन लगा दी हैं, तो ये कंडीशन किसानों को कंगाल बनाने के लिए लगाई गई हैं। मुझे लगता है कि पूरे हरियाणा में ये समस्या आ रही है और सरकार को, मुख्यमंत्री जी को इसके बारे में सोचना चाहिए। और जो कृषि मंत्री किसानों को बस बाइक और जो आने जाने खाने पीने का लोभ दे के सम्मेलन में बुला रहे हैं, मुझे लगता है कि वो मंडियों में जाएं और जाके वहाँ पे किसानों की स्थिति को देखें कि स्थिति क्या है। किसानों की स्थिति बहुत बुरी है, हर जगह ये समस्या आ रही है। पहली बात, सरसों की खरीद नहीं हो रही, जहाँ पे खरीद हो रही है कंडीशन लगाई जा रही है, फिर जो रेट दिया गया उस पर खरीद नहीं हो रही है। तो मुझे लगता है कि ये इस सरकार के लिए शर्म की बात है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकती कि किसानों को धरने देने पड़ रहे हैं अपनी फसल बेचने के। दिल्ली की जनता ने वोट दिया और दिल्ली में काम करने के लिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि लोगों के स्वास्थ्य सेवाओं के लिए हम काम करें, शिक्षा पे हम काम करें, जवानों के लिए, किसानों के लिए, बुजुर्गों के लिए काम करें, उस पर काम करें। हमारे ऊपर 35 केस कर दिए गए हैं, तो मुझे लगता है कि माफ़ी मांगने से तो कोई छोटा होता नहीं है। हमारे को लगता है कि लोगों के काम करना, लोगों के लिए काम के लिए चक्कर लगाना सही है, कोर्ट के चक्कर लगाने की बजाय। आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी को भला बुरा कहते हैं कांग्रेस वाले, उनकी तरफ से कोई मानहानि का नहीं होता। बीजेपी वाले सोनिया गांधी तक को भला बुरा कहते हैं, लेकिन कोई मानहानि का नहीं होता। सारे मानहानि का जो भी मामले हैं वो आम आदमी पार्टी के लिए ही, अरविंद केजरीवाल के लिए ही रखे गए हैं। तो हमने ये माना कि जनता के लिए काम करना जरूरी है, कोर्ट के चक्कर काटने की बजाय। तो सामने साथी कार्यकर्ताओं के साथ बैठेंगे, पवन जी यहाँ पे हमारे जो मुख्य जनरल साहब हैं। आज मुझे लगता है कि पूरे हरियाणा को बचाना जरूरी है, हरियाणा के भाईचारे को बचाना जरूरी है। इस सरकार ने पूरे हरियाणा के भाईचारे का सत्यानाश कर दिया है। जाति के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे राजनीति की जा रही है, सारी पार्टियां उसमें शामिल हैं। इस पूरे के पूरे उसमें हरियाणा बचाओ रैली में, चाहे जवान बचाने की बात है, किसान बचाने की बात है, हरियाणा बचाओ रैली सबसे बड़ी रैली होगी। जो पिछले दिनों आपने देखा होगा, अमित शाह की फ्लॉप पेट्रोल रैली हुई थी, लोगों को पेट्रोल दे के बुलाया गया था, लेकिन हम पीले चावल दे के लोगों को बुला रहे हैं, न्योता दे रहे हैं। और हमें ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा लोग आएंगे, क्योंकि CBI की रैली सारी फेल हो चुकी है। CBI मतलब सी से कांग्रेस, बी से BJP, आई से इन लोग, इनकी सारी रैलियाँ फेल हो चुकी हैं। शराब दे के, पेट्रोल दे के, पैसे दे के लोगों को बुला रहे हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता अपने दम पे रैली करेंगे और पूरे हरियाणा में जो हमारा प्रचार प्रसार किया जा रहा है, हर जगह से पोस्टर फ्लैक्स फाड़े जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी इस सरकार के लिए और प्रशासन के लिए हम ये कह रहे हैं कि वो पोस्टर फाड़ने की बजाय जनता का काम करें, और साथ में ये चेतावनी भी दे रहे हैं कि या तो सभी पार्टियों के पोस्टर फ्लैक्स उतरें, सभी के बैनर पाटें, सभी के पोस्टर उतारें, आम आदमी के जो पोस्टर हैं, बैनर हैं, उनको हाथ लगाने की हिम्मत ना करें। तो शाम से अमन शर्मा की रिपोर्ट।